शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। टाई होंडा पॉइंट कंपनी ने कर्मचारियों को बिना कोई वजह बताए दर्जनों कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, जिससे बेरोजगार हुए कर्मचारियों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। इस ओर साई होंडा प्रबंधक ध्यान दे और कर्मचारियों को फिर से रोजगार प्रदान करे, ऐसी मांग बेरोजगार हुए कर्मचारियों ने की है। शहर में कोरोना ने जब से दस्तक दी है तब से लेकर अब तक कईयों को बेरोजगार किए जाने की खबर की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का नाम आगे कराकर कुछ कंपनी पुराने कर्मचारियों को निकालकर बेरोजगार कर रही है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं शहर के ग्रेट नाग रोड स्थित साई होंडा पॉइंट की, जहां पर तकरीबन 30 से 35 कर्मचारियों को बिना कोई कारण दिए काम से निकाल दिया गया है। इसे 35 कर्मचारियों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। कुछ कर्मचारियों ने इनबीसीएन समक्ष बात करते समय ये बात कही कि साई होंडा पॉइंट के व्यवस्थापक हेमंत कड़ू, इन्होंने लॉकडाउन का कारण बताकर हमें निकाल दिया और हमारे जगह उनके मनमर्जी संभालने वाले नए लोगों को काम पर रखा गया है। मैं सुमित साईपॉन होंडा का एम्प्लॉय जो एक साल से अभी जॉब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ऐसा लॉकडाउन के चलते समय सभी शोरूम बनते हैं, सभी कंपनीज बनते हैं, तो अभी क्या हुआ, 2-3 महीने से जो कंपनीज हमारी चालू है बट हमें किसी 30-35 जो एम्प्लॉयज है हमारे, ना किसी को बुलाया जा रहा है, ना सैलरी दी जा रही है, किसी को बताया नहीं गया है अब तक के कि हमको अभी पूरी सैलरी मिल नहीं सकती है तो हमारा घर कैसा चले। बराबर है, हमारा घर चलना चाहिए, या ना हमें 100% सैलरी दी गई है ना 50% सैलरी दी गई है। एक तो ये मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है यहाँ पे, मैनेजर जो भी है, मिसमैनेज हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि हम जब भी कॉल करते हैं उनको रेयरली बात होती है, काफ़ी रेयरली बात होती है, और इस तरीके से बात होती है कि हम जब भी पूछते हैं तो हमें कुछ ऊपर से ऑर्डर नहीं आया बोलते हैं। अरे चलो ठीक है, आप जब हमें जॉब पर बुला नहीं, आप हमें जॉब पर बुला नहीं रहे हो तो आप कम से कम हमें 100% सैलरी दे के हमको ये कर दो, या फिर हमें जॉब पर बुलाइए, हमें हमारी 100% सैलरी दीजिए, या फिर हमें जॉब पे बुलाइए, या फिर हमें न्याय चाहिए। कर्मचारियों पर हो रहे इस अन्याय से बेरोजगार हुए कर्मचारियों के परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।